नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है, बेगूसराय बिहार से। मैं आज आपको पीएच के बारे में बताऊंगा कि पीएच क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। बढ़ेगा तो पानी दूषित हो जाता है और मछली के रहने के लायक नहीं रहता है, उसमें सर्वाइव नहीं करता है मछली। तो पीएच का पॉइंट जो होता है वो 1 से लेकर 14-15 तक रहता है, 16 तक रहता है डिजिटल मीटर में। और आपका जो टेस्ट किट रहता है उसमें जो है सो टेस्ट किट जो है उसमें आपको देखिए जो ये टेस्ट किट है तो इसमें भी जो है सो 8 तक रहता है टेस्ट किट में। और अभी आपको जैसे कि होना कितना चाहिए, तो पानी को जो है सो अगर आप मेंटेन में रखते हैं तो नॉर्मली 7, 6, 9, 7 और 7.4, 5 तक चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसलिए आपको हर समय जो है सो पानी का जो है क्वालिटी के ऊपर चेक करते रहना, पीएच कितना है, टीडीएस कितना है, अमोनिया कितना है, नाइट्रेट कितना है, नाइट्राइट कितना है, तो ये सारा चीज़ जो है सो आपको देखते रहना है। तो अभी आपको मैं पीएच के बारे में बताऊंगा कि पीएच टेस्टिंग करने की विधि, टेस्ट करने के लिए आपको जो है सो 3 तरह के, एक तो डिजिटल मीटर होता है जो इस तरह का रहता है, ये देखिए मेरा जो है सो 6-9 है, 7 मेरा जो है 7 है, ऐसे उल्टा दिखाऊँ तो इसमें 7 दिखेगा, मतलब 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट मेरा जो है सो टेंकी का है। ये देखिए ग्लास नंबर भी लिखा हुआ होगा इसमें, ये इस टैंकी से लिया गया है, 36 नंबर टैंकी से। मेरे पास आपको बताया था मैं 38 टैंक है, सीमेंट टैंक 10 है और 28 टैंक जो है सो तारपोलिंग का है। तो इससे पहले मैं आपको पहले वीडियो में तारपोलिंग में आने वाले खर्च और सीमेंट टैंक में आने वाले खर्च के बारे में बताया था, और अभी मैं आपको पीएच के बारे में, जो पीएच बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा। पीएच अगर आपके टैंकी में बढ़ जाता है तो पानी दूषित हो जाता है, यानी कि पानी में तेजाब वाला गुण उसमें आ जाता है, इसलिए 8 से ऊपर जैसे जाएगा तो उसका मछली का जो है सो मछली के ऊपर हानिकारक हो जाएगा। और 7 सफिशियंट है, 7 से नीचे 6 है, तो 6 से ऊपर 7 और 7 से 8 के अंदर ही रहना चाहिए नॉर्मली। लेकिन ऐसे एक्चुअली अगर फुल्ली पैर अगर आप अपना ठीक करना चाहते हैं 7-2-7 इससे बेसी नहीं होना चाहिए, 7-4 तक रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इसमें पीएच बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, पीएच बढ़ जाएगा तो उसका भी सलूशन बताऊंगा मैं, तो और घट जाता है तो बढ़ाने का भी कुछ सलूशन आना चाहिए आपको, तभी आप जो है सो मछली पालन कर सकते हैं बायोफ्लॉक में, नहीं तो बायोफ्लॉक जितना आप करना चाहेंगे तो बहुत आसान है, नहीं करना चाहेंगे तो बहुत कठिन है। इसमें आपको हर समय ध्यान रखना पड़ेगा और तालाब में इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको 7 से नीचे होगा तो हार्मफुल होगा, ये 7-4 के बाद हार्मफुल हो जाएगा, एक एक नंबर जो है 7-4 के बाद एक एक नंबर घातक होता जाएगा, जो मतलब मछली के लिए खतरे की घंटी से ऊपर है। और अगर आपका 7 से नीचे हो जाता है तो मछली में एसिडिक
होगा, चिपचिपा बढ़ जाएगा और म्यूकस प्रभाव बढ़ जाता है, जैसे एक दूसरे में फंगस टाइप का बीमारी जैसे लग जाएगा उसमें, और वो हार्मफुल महसूस करेगा। तो उसमें आपको खाना कम कर देगा और खाना नहीं उठाएगा और बीमारी जैसे लक्षण मुंह लटका के कोने में पड़ा रहेगा। तो इसलिए आपको अगर पीएच जो है सो बढ़ जाता है, पीएच टेस्ट कर लीजिए, आपका अगर बढ़ जाता है घट जाता है तो डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट यानी डोलोमाइट दे करके उसको बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा हो जाता है तो पानी को थोड़ा सा ड्रेन कर दीजिए, यही सोल्यूशन है। और थोड़ा मोलासिस वगैरह का जो है सो इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाएगा। आप चेक करते रहेंगे तो करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा और इसको आराम महसूस होगा। तो इसको मैं आपको अपना टैंक का एक बताता हूँ कि मेरा जो टेस्ट किया था उसमें ये जो है सो टैंक सोल्यूशन, ये देखिए ये मेरा पीएच है और यहाँ पे आके उठता है, देखिए सात, ये आप देखेंगे 7 पॉइंट मेरा जो है वो 7 पॉइंट पे आके जो है सो रुक जाता है। तो टैंक का जो है इसी तरह से पैराग्राफ को आपको मेंटेन में रखना पड़ेगा। मैं अगली वीडियो में आपको अमोनिया के बारे में बताऊंगा। तो इतना ही बोल करके मैं अपना वीडियो को समाप्त करूँ, क्योंकि लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरा वीडियो मैं आपको और बना करके डालते रहूँगा, और जो चीज़ जानकारी है, बेसिक जानकारी जो मोटा मोटी है, वो मैं आपको मोबाइल से ही जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं सिखा दूँगा आपको, सीखना चाहेंगे तो। और कोई सवाल जवाब है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जब भी चाहें फ़ोन कर सकते हैं मेरे को।